करने में सुई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आल शरीफ ऑटो केयर या फाइल इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी। प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे सुजुकी वैगनार का मीटर रिवर्स। इसके मीटर का कैसे डेटा डालते हैं, कैसे रिवर्स करते हैं, तो आज हम इसको करेंगे रिवर्स। वीडियो के एंड तक देखें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएँ। ये जो इसका ईप्रोम आईसी लगा है मीटर रीडिंग चेंज वाला, इसे हम मीटर को रिवर्स करेंगे। इसके अंदर डाटा डालेंगे। और आज हम करेंगे आईप्रोग से इसका मीटर, जो कि पहले अभी तक मैंने आईप्रोग से वीडियो तो कोई नहीं डाली। अभी हम आईप्रोग से इसकी वीडियो डाल रहे हैं, आईप्रोग से मीटर कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको इसके बारे में समझ आएगी। और जब अगर चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करता जाएं। हीट गन के साथ हम इसको ईप्रोम आईसी को उतारेंगे। अच्छी तरह हीट दे के जब ये दोनों साइडों से इसकी कली पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, तो फिर आपने आराम से आईसी ईप्रोम आईसी को उठा लेना है। बराबर की दोनों साइडों पे आपने हीट देनी है। ये ईप्रोम आईसी उतर गया, ये हमारा ईप्रोम आईसी सुजुकी वैगनर जो पाकिस्तानी है और इंडियन, ये दोनों के अंदर ये एक ही आईसी एक ही डाटा आता है इनके अंदर। इसका नंबर अभी आपको चेक करवाता हूँ। तो सबसे पहले इसके ये जो लेग होती हैं जिसके ऊपर कली लगी है, इनको आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। और साफ़ करने के बाद आपने जिस जगह पे ये लगा वो प्रिंट भी अच्छे तरीके से साफ़ करना है। इसको हम बेस के अंदर रखेंगे। बेस के अंदर रख के हम इसको रीड करेंगे आईप्रोग से। तो आज की वीडियो हमारी आईप्रोग के ऊपर है कि आईप्रोग से किस तरह मीटर रिवर्स किया जाता है, डाटा डाला जाता है। हम करेंगे आईप्रोग से मीटर रिवर्स। लगाने के बाद ईप्रोम आईसी लगाने के बाद हम इसको
इसका जो कनेक्टर है जिसके अंदर ये रीड होगा उसके अंदर लगाएंगे, बेस के अंदर लगा के फिर कनेक्टर के अंदर लगाने के बाद आई प्रो के साथ कनेक्ट करेंगे। इससे हम आई प्रो के अंदर जाएंगे, ओपन करेंगे आई प्रो, आपने सब नीचे आ जाना है, 6.9 पे आ जाना आपने। आई प्रो प्रो 6.9 इसमें आपने ओपन करना है, यस करना है। यस करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर आएगा डैशबोर्ड, तो आपने डैशबोर्ड को ओपन करना है। डैशबोर्ड को ओपन करके आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो लिखा होगा ऑटो सर्च, आपने ऑटो सर्च करना है। ये सारी गाड़ियाँ, गाड़ियों के नाम हैं, आपने ऑटो सर्च पे जाना है। ये हमारा ऑटो सर्च आ गया। जब आपने ऑटो सर्च में जाना है तो नीचे आपको ना 93, 56 और 66, 83, 76 और 86 नज़र आएगा। ये 83, 56 और 66 पे आपने क्लिक करना है और इसी तरह इसके नीचे एक फाइल खुल जाएगी, आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने आईसी को रीड करना है। अगर तो आपका आईसी रीड हो गया तो ठीक है, अगर ना होगा तो आपने फिर क्या करना है, आईसी ईप्रोम आईसी की साइड उल्टी करके लगानी है। अभी मैंने रीड किया और रीड नहीं हुआ। अभी मैंने क्या करना है, मैंने आईसी को उल्टा करके बेस के अंदर लगाना है। जब मैं उल्टा करके लगाऊंगा फिर रीड करूंगा, फिर ये रीड हो जाएगा। अभी ये रीड नहीं हो रहा। अभी मैंने इसकी साइड उल्टा करके दोबारा सर्च किया और अभी मैं रीड करूंगा, ये आईसी रीड हो गया और इसकी माइलेज जो है वो अब आपके सामने आ जाएगी। इस जगह पे मैं इसको रीड करूंगा अब, तो ये कितने किलोमीटर आएगी, ये 45,000 किलोमीटर अभी रीडिंग है। मैंने इसकी रीडिंग अब कितनी करनी है, इसकी जगह पे आप मैं लिखूंगा 44,000 लिख दूंगा। अभी मैंने ऊपर जो इसकी रीडिंग है बेसिक वो 45,000 है, जो मैं इसकी रीडिंग करने लगा हूँ। अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ और 45,125 किलोमीटर मैंने कर दी। ऊपर 45,000 है, नीचे मैंने 45,125 किलोमीटर करके, ये राइट का बटन है इसको मैंने क्लिक करना है और यहाँ से यस करना है। जैसे मैं यस करूँगा तो वो फाइल प्रोग्राम हो गई। अभी दोबारा रीड वाली जगह पे चेक करें, 45,125 किलोमीटर आ गया, हमारी ये फाइल जो है वो राइट हो गई है। अभी हम दोबारा फाइल को रीड करेंगे, यहाँ से दोबारा फाइल मैं राइट कर रहा हूँ वेरीफाई के लिए, तसल्ली हो जाएगी ये फाइल राइट हो गई। इसके बाद दोबारा रीड करूँगा तो सामने आ जाएगी कि कितने किलोमीटर इस ये गाड़ी की माइलेज है, मीटर की ऑडियो मीटर कितने किलोमीटर चला है। ये 45,125 किलोमीटर हो गया, रीड मैंने किया, राइड भी किया। अभी मैं इस ईप्रोम आईसी को गाड़ी के मीटर के साथ लगा के चेक करता हूँ। अभी इसको सोल्डिंग करनी है मैंने उतार के, ये प्रोग्राम हो गया आईसी, तो इसको हम लगाना अभी मीटर के ऊपर। और जब मीटर के ऊपर लगाएंगे फिर हम गाड़ी के अंदर लगा के, गाड़ी के ग्रिप लगा के फिर आपको चेक करवाएंगे।
अभी हम इसको सोल्डिंग करेंगे, तो इसकी जगह पहले साफ़ करेंगे अच्छे तरीके से। इस जगह पे ये प्रोमाइस लगेगा, इस जगह तो को अच्छी तरह साफ़ करके कली शली लगा के फिर हम इसको फिट करेंगे। अभी मैंने टंके लगाए हैं, अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर दी है मैंने। अभी गाड़ी की रीडिंग देखें, 45,125 जितनी हमने की थी इतनी रीडिंग अभी गाड़ी की हो गई है। आईप्रोग से अल्हम्दुलिल्लाह मीटर क्लियर किया है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएँ और वीडियो को शेयर भी लाजमी करें। स्विच ऑन करके आपने जो इसकी सुइयाँ हैं स्विच ऑन करके आरपीएम की और स्पीड मीटर की लगानी है, और एक बार स्विच ऑन करके फिर ऑफ़ करके फिर आपने हीट गेज की और फ्यूल गेज की सुइयाँ लगानी है। ये इसकी सुइयाँ लगाने का तरीका है, और सुइयाँ बड़े एहतियात से आपने उतारनी है, क्योंकि जब सुई उतारते हैं तो कई बार सुई ये अंदर से गेज के अंदर से बाहर आ जाती है, और फिर ये मसला इस तरह का बन जाता है कि आपकी गाड़ी की जो सुई है वो जब आप स्विच ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं वो झटका लगाते हैं।
हमारी गाड़ी का मीटर हो गया है 45,125 किलोमीटर, एग्जैक्ट जितना किया था उतना हो गया है। प्यारे दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप चाहते हैं इस तरह के मैं वीडियो बनाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।